morning, students. आज हम देखेंगे आईटी सेम 2015 के क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन। इसमें निकालना है एक ग्रुप दिया हुआ है Z66। इसमें निकालना है द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ द एडिटिव ग्रुप Z36 इज इक्वल टू, मतलब इसमें जनरेटर की नंबर निकालना है, जनरेटर की संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं देखते हैं। अगर 36 दिया हुआ है पहले इसको हम छोटे से छोटे प्रोडक्ट में तोड़ लेते हैं। जैसे इसको 6 का स्क्वायर है ठीक। इसको फिर 6 को क्या लिखते हैं 2 × 3 का होल स्क्वायर ठीक, 2 × 2। अब 2 का बटेगा नहीं, अब 3 तो नहीं बटेगा। अब यहाँ से हम रूल लगाते हैं। रूल है इस ब्रेकर इस खाद एक इसको अलग लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं और इसको दूध पर दो माइनस दूध पर इसमें से घटा लेते हैं और इंटू इसमें से घटा लेते हैं, इसको घटा के उसके बाद इसमें से घटा देते हैं ठीक। एक दो दिन एक दो पावर दो चार हो गया, ये 2 हो गया, ये कितना हो गया 9 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये कितना हो गया 6, 2 × 2 = 6 आ गया 12। ये हमारा यानी जनरेटर की संख्या इसमें 12 Z36 है। प्रॉपर्टी है जैसे कि अगर कोई ऑर्डर दिया है का दिया हुआ है, इसको हम पहले अलग अलग इसको हम पहले छोटे छोटे पार्टों में जितना हो सके उसमें डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद इसको मान लीजिए a² b² c² a^n b^n कुछ भी है, मान लीजिए m c^f। इसका हम ऑर्डर जब निकालेंगे नंबर ऑफ जनरेटर इसको ऐसे लिखेंगे a^n−1 × b^m−b^m−1 × c^f − c^f−1। यही होता है हमारी इसी का प्रोडक्ट होता है जनरेटर की संख्या। तो जनरली इसका मान आ गया 12, जनरेट नंबर ऑफ जनरेटर की संख्या की 12। थैंक यू।